हेलो गाइस, मैं मास्टर और आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग व्लॉग में। और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ इंडियन सोलर ई व्हीकल एक्सपो 2022 जो कि लगा हुआ है आईआईए भवन नियर टू सिनेपोलिस और आपका आईजीपी। लोकेशन मिल जाएगी यहाँ डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है यहाँ पे, आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सोलर की इक्विपमेंट्स, जहाँ पे सोलर से काफ़ी सारी चीज़ों के पावर जनरेट करने की चीज़ देखने को मिलेगी। साथ में कुछ ईवी व्हीकल्स भी देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो कि फ्यूचर है आने वाले टाइम में। जिस तरह से गर्मी हो रही है तो आने वाले टाइम में आप इस सब पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं, पूरा इवेंट एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। और अगर आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको करना है, आपको करना लाइक, आपको करना है शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, तीन काम आप कर देना। चलिए चलते हैं बिना देरी के, आपको दिखाते हैं पूरे इवेंट में क्या सारी चीज़ें होने वाली है। तो गाइस, जैसे आप एंट्री लेंगे आपको देख सकते हैं यहाँ पे सामने की तरफ में वो आपका आईआई भवन है। यहाँ पे लगा हुआ इंडियन सोलर ई व्हीकल एक्सपो 3 दिन का। और इधर की साइड में देख सकते हैं विजिटर जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह वो हो रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इधर की तरफ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आईआईए भवन की मेन बिल्डिंग है जो कि आपको दिख रही है। और इधर की साइड आप देख सकते हैं एक सेक्शन बनाया हुआ डिफरेंट सा। अगर हम इस सेक्शन में एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिक कार्स, मोटर व्हीकल जो होती हैं सारी। और देख सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स लगी हुई है यहाँ पे, नेक्सॉन ईवी लगी हुई है, टिगोर लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। और इधर की साइड में कुछ इस टाइप के सीडवी के कैनोपीज होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, वो हो गए। फिर कुछ चीज़ें और इधर हो गई। और अगर हम इधर की बात करते हैं थोड़ी सी, तो यहाँ पर आपको एक और गाड़ी MG हेक्टर लगी हुई है। और अगर हम इधर की बात करते हैं तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोयोटा की दिख जाएगी है देखने में, कैमरी हाइब्रिड लगी हुई है। और ये कुछ इस प्रकार का कैनोपी सिस्टम जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा लगा हुआ है यहाँ पर, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। और यहाँ पर थोड़े से क्या कहते हैं आपको ई रिक्शा वगैरह दिखा रहे हैं और ये लगे हुए हैं यहाँ पर इसमें दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक वगैरह व्हीकल को जो प्रमोट किया जाता है उन चीज़ों के लिए उन्होंने इस तरह के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। और यहाँ की तरफ आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कंपनी का लगा हुआ है यहाँ पर एवरीडे विथ हॉट वाटर करके है। ये कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और इधर की साइड का एक कैनोपी है और उधर पीछे की तरफ में उधर की तरफ का कुछ और गेट है, भी हम चलते हैं वो भी आपको एक्सप्लोर कराते हैं क्या सारी चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं। तो एंट्री लेने के बाद देख सकते हैं आप ऐसा कुछ यहाँ पे माहौल है, इस तरीके की कैनोपीज लगी हुई है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए वहाँ पे। तो अभी चलते हैं यार किसी में और बातचीत करके थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पर और थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं आया हुआ था ये ग्रीन एज सोलर एक्सपर्ट करके एक स्टॉल लगी हुई है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भी है। तो मैं सर मिले हैं, सर से बात करते हैं। तो सर पहले थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम दिनेश प्रधान है, हमारी कंपनी है ग्रीन एज के नाम से, ग्रीन एज इंडिया रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। हम लोग इंडिया में हर कॉर्नर में काम करते हैं, यूपी नेडा के साथ काम करते हैं, पंजाब में पेडा के साथ काम करते हैं और उत्तराखंड में काम करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट भी है। अच्छा। पर हमारा कार्य करने का तरीका थोड़ा सा अलग है सोलर में। तो होता क्या है कि सोलर में लोग बाग कहते हैं कि साहब किस रेट से सोलर दे रहे हैं नॉर्मल, पर हम कहते हैं साहब हमारे पास कोई रेट नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये कोई सब्जी की तरह से नहीं, आप बताइए आपको आउटपुट क्या चाहिए। जैसे कि यह है, आप देखेंगे ये वाला, ये चीज़ है, ये लिथियम बैटरी। अच्छा। लिथियम बैटरी सॉल्यूशंस की बात है, ठीक है ना। अब क्या है कि जितने भी पहले आप जितना ऑटो व्हीकल्स यूज़ करते थे उसमें बड़ी बड़ी बैटरी जिसको एलिमल बैटरी कहते हैं, हाँ, ऐसी बैटरी को यूज़ करते हैं। अब धीरे से लिथियम की तरफ शिफ्ट हो गई। पहली बात तो उसे पानी नहीं डालना आपको, हाँ, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, नो मेंटेनेंस फ्री की बात करते हैं। अच्छा। हम लोग लेटेस्ट प्रोडक्ट देने की बात करते हैं। पहले आपके घर में जो इन्वर्टर लगता था, हाँ, वो इन्वर्टर होता जिसमें कि आप बैटरी लगाते थे, हाँ, और उसमें पानी डालते थे, हाँ। अब ये इन्वर्टर है देखिए। अच्छा, ये भी इन्वर्टर है, इसके अंदर ही लिथियम बैटरी फिट हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर ही हो जाएगी, इसके अंदर ही फिट हो जाएगी। ओके। अब हम कहेंगे अगर आपको कि 5 साल तक हम आपको कुछ नहीं करना है, हाँ, ना पानी डालना है, ना कोई मेंटेनेंस करनी है। अच्छा। बैटरी अंदर फिट है, कॉम्पैक्ट एक सिस्टम आपको मिल गया, ठीक है, और इसकी आउटपुट बहुत बढ़िया हो गई, चार्जिंग बहुत बढ़िया हो गई, बैकअप ज़्यादा है इसका, बैकअप ज़्यादा है इसका। अप्रॉक्सीमेटली कितना लगभग अंदाज़ा? अगर आप उसी चीज़ पर पहले 3 घंटे के बैकअप की बात करते थे, अब हम 6 घंटे के बैकअप की, मतलब जस्ट डबल की बात कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ सर का कार्ड है और वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, इस पर कॉल वगैरह कर सकते हैं कोई भी रिक्वायरमेंट हो, और ये सारी चीज़ें लिखी हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप मंगा सकते हैं यहाँ से। तो गाइज, ये है देवी दयाल सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पर देख सकते हैं सर का कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट लगा है और सर यहाँ पर है। तो सर पहले थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए और अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताइए क्या है। सर, मैं देवी दयाल सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। तो हम सोलर प्रोडक्ट पे डील करते हैं, कंपनी महाराष्ट्र की है। अच्छा जी सर।
इसमें हम मेनली ये सोलर रेफ्रिजरेटर, सोलर पैनल, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट है। सो ये देखिए, तो मैं काफ़ी डिफरेंट ये सोलर रेफ्रिजरेटर मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ जी सर, और ये मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे सर मुझे। इसमें सर ये सोलर रेफ्रिजरेटर इसलिए है कि जो ए सी चलाते हैं उसमें बिजली का ज़्यादा खर्चा होता है। अच्छा, इसमें बिजली का कम खर्चा नहीं आएगा। ये पैनल से ये बैटरी चार्ज होगा और फिर ये चलेगा 24 आवर्स चल रहा है। इसका बैकअप कितना है अप्रॉक्सीमेटली इस बैटरी का? हाँ सर, 24 आवर्स है। 24 आवर्स मैंने आपको इधर वाला सेक्शन का सब कुछ दिखा दिया, इसमें जो सारी चीज़ें थी अभी इधर की तरफ चलता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं इधर की तरफ भी कुछ सेक्शन लगे हुए हैं, तो उनको ज़रा दिखा देता हूँ कि कैसा चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। सो गाइस देख सकते हैं इधर की तरफ में आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल जाएंगे जो कि आपकी टू व्हीलर्स होते हैं इलेक्ट्रिक, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके से लोग यहाँ पे देख रहे हैं समझ जाएँ। अभी चल रहे हैं आगे और आपको आगे का सीन दिखाते हैं। और इधर की तरफ भी देख सकते हैं आपको इलेक्ट्रिक वाली जो इतनी स्कूटर्स होती हैं बाइक वगैरह वो देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, और ये सब अपना प्रोजेक्टर पे लोग को दिखा रहे हैं पब्लिक को भी क्या सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिख जाएंगे। और ये आपका बेसिकली ई रिक्शा वगैरह हो गया या आपकी जो गाड़ियाँ होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन चीज़ों को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो इंडियन सोलर एक्सपो 2022 की, जो कि आज आपकी हो रही है 25 मार्च से चलेगा आपके 3 दिन तक 27 मार्च तक। कहाँ पे लगा हुआ लोकेशन वो आपको मिल जाएगी यहाँ नीचे डिटेल, आप आ सकते हैं। और थोड़ा वो बताना चाहे तो IA भवन पड़ता है आपका सिनेपोलिस और IGP के बीच में पड़ता है, यहाँ पर आके आप अटेंड कर सकते हैं इस इवेंट को। और अगर आपने वीडियो पूरी यहाँ तक देखी है आपको करना है कि आपको करना लाइक और करना है शेयर, चैनल सब्सक्राइब, तीन काम प्राप्त कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, किसी और फूड कंटेंट में, किसी और इवेंट ब्लॉग्स के, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर, बाय बाय।